बहुत यम्मी एंड टेस्टी हुआ है। और क्या करेंगे कि क्या आया है? अभी अभी डिलीवरी बॉय डिलीवर करके गया है ये सब सामान। मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पीयू। पीयू की इस फनी सिंपल लाइफस्टाइल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो मॉर्निंग हो गया है एंड ये है मेरी ब्रेकफास्ट ब्रेड, वेज मेयोनीज एंड गार्लिक मेयोनीज जो मैं ब्रेड में लगाए हूँ, और साथ में मिल्क। हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। स्नेहा जस्ट अनबॉक्सिंग कर रही है एक्रॉलिक, ये होगा शायद नेल पॉलिश, नेल पेंट्स होगा ना। ये नेल पॉलिश आया है, नेल पेंट इतना सारा। ये है लेडी फैशन, लेडी फैशन का है। एंड ये वाला कलर मेरा बहुत यूनिक लगता है, ये कलर। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये मुझे मिला 4000 में। ये ऑफ़र भी था, लेकिन एक एक का दाम ही बहुत होता है ये सब का, 600 के आसपास। सो ये ऑफ़र में था तो 4000 में मुझे कितना मिला, 12 पीस मुझे मिला 4000 में। स्नेहा अप्लाई कर रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाओ, बहुत यूनिक कलर। नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। शर्ट है मेरा इस टाइप का, ब्लैक कलर सबके साथ मैच कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया। एंड ये मुझे मिला 500 में। ओपन कर रहे हैं, देखते हैं क्या आया है। याद नहीं रहता है क्या आया है क्या आया है, खोलने के बाद ही समझ में आता है कि हाँ ये वाला मैंने ऑर्डर की। तो ये है मैं एक सलवार सूट, बहुत ये यूनिक है गाइस, बहुत सुंदर है ये। एंड ये ट्रेंड में भी चल रहा है बहुत, हम इंस्टाग्राम में भी बहुत किसी को देखे थे पहनते हुए। एंड कुछ फिल्म स्टार भी हम देख रहे हैं ना, कुछ फिल्म स्टार का सबका नाम क्या, तुम नहीं देखी होगी ना, अनुष्का सेन को देखे थे शायद, ऐसे ही कुछ। और बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे टेलर के पास देना पड़ेगा शूट को। एंड बस यही तीन आया है। एंड इसका प्राइस है 3599। हाँ हाँ, तुम ही खोलो, तुम ही खोलो, इसका अनबॉक्सिंग तुम करो। काटो 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 काटो, शर्माओ नहीं, काटो 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 काटो। तो बाकी जो है वो तो स्नेहा अनबॉक्सिंग कर दी थी, और बाकी ये दो है, दो आया है, देखते हैं क्या आया है। तो इसे मैं अनबॉक्स, आइए, बहुत मतलब बदमाशी कर रहा है गुड्डूश, काली बदमाशी कर रहा है। वाओ, स्वीट गर्ल परफ्यूम, टेरिफिक। तो गाइस ये है मेरा परफ्यूम स्वीट गर्ल। ओ माय गॉड, अमेजिंग, वेरी स्वीट। ओ इट्स जस्ट ऑसम। एंड आई गॉट दिस 1700। ये मुझे फ्लिपकार्ट से मिला, ब्लैक माई फेवरेट। एंड ये सबके साथ वेयर कर सकते हो, एंड इट्स क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो ये मुझे मिला 500 में, इसका ऑफर था शायद 1300 था, तो मुझे ये 500 में मिला। एंड ये बहुत सॉफ्ट है,
तो ये था आज का शॉपिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में करेंगे कुछ हैदराबादी स्टाइल की चिकन। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। तो आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है और सोच रहे हैं कि इसके साथ थोड़ा सा रोटी बना लेंगे। तो आटा गूंथ के रखे हैं एंड देखिए यहाँ पे मैंने ना प्याज को दे दिए हैं, ऑनियन को, तो ये फ्राई करने के लिए अभी दिए हैं। तो इसे पूरा डीप फ्राई करेंगे। बेरिस्ता जो है मेरी रेडी है, ऑनियन को फ्राई करके रखे हैं, वहाँ पे ऐसे बेरिस्ता ही बोलते हैं, तो बेरिस्ता मेरा रेडी। तो चिकन को मैंने दही से मैरिनेट करके रखे हैं और देंगे मैरिनेट करने के लिए टर्मरिक पाउडर। देन यहाँ पे है चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया गुंडी, जीरा गुंडी, तो सारा सबको दे देंगे। और ये करने में बहुत ईजी है, इसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये है बेरिस्ता, बस। तो ये सबको मैं बहुत अच्छी तरह से मिला लूँगी और चिकन को मैं दही से एक घंटा के ऊपर ही मैरिनेट करके रख दी थी। तो हैदराबादी स्टाइल चिकन बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देना पड़ेगा। ये मेन मसाला है, ये है धनिया का जो गुंडी नहीं, ये गोटा धनिया है, गोटा धनिया ही बोलता है इसे, एंड ये है गोटा जीरा, एंड ये है सूखा मिर्च। तो ये सबको एक साथ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी विदाउट ऑयल में, एंड इसे मिक्सी में पेस्ट कर लूँगी। इतना खड़ा मसाला था, मैंने इसे मिक्सी में पेस्ट कर लिए हैं और उसके बाद ही अब प्याज दोगे, ठीक है। पहले प्याज दे के पीसने से ये खराब हो जाएगा, सो अभी मैं इसे फिर से पीस लूँगी। तो बेरिस्टा फ्राई होने के बाद जो तेल मेरा बचा हुआ है तो उसी में ही मैं करूँगी। तो पहले ये जो मसाला है मैंने आपको दिखाए थे, तो वही मसाला को पहले मैं तेल में फ्राई करूंगी। तो अभी आप देख रहे हो तेल छोड़ने लगा, बहुत अच्छी तरह से ये मिल गया है। तो मैंने यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी एंड बहुत अच्छी तरह से इसे मिला लूंगी। एंड ये रोटी पराठा के साथ बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत अच्छा महक भी आया है इसका, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको खाने में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया, तो इसमें टोमेटो का सॉस, मतलब टोमेटो नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केचप दे रही हूँ, ऐड कर दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप केचप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा महक आया है एंड गाइस कलर भी देखो बहुत अच्छा से आया है इनका, और पूरा चिकन आपका बहुत अच्छी तरह से मसाला हर चीज़ सब अच्छी तरह से मिल गया है। एंड इसे मैं एक ढक्कन से ढक दूंगी। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि मेरा चिकन कितना दूर क्या हुआ है, तो देखते हैं। तो ये ऑयल तो रिलीज हो गया है एंड कलर भी काफ़ी अच्छा हुआ है, पर थोड़ा देर मुझे और रखना पड़ेगा
और मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा स्मेल भी आ रहा है। तो बस इसे मैं 10 मिनट के लिए झांक दूंगी। बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब तक ये चिकन हो रहा है तब तक मैंने सोचे कि चलो आपके साथ 2 मिनट बात कर लेते हैं। एंड उसके साथ बात करते करते मैं यहाँ पे सैलड भी कट के रेडी करके रखी हूँ। तो गाइस, आप लोग ना बहुत कोई मतलब है कि 2-3 फ्रेंड है जो मुझे पूछे है कि यूट्यूब से तुम्हें कितना अर्निंग होता है। तो पहला बात तो है, ये मेरा दिमाग में कभी आया ही नहीं मुझे कभी पैसा कमाना है इतना कुछ। मैंने पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, इट्स ओके। लेकिन मैं ना बचपन से ना थोड़ी सी भी मुझे सुख मिलता है, ठीक है। तो मैं कोई सोचती नहीं हूँ कि मुझे इसके बाद ये होगा उसका, मतलब फ्यूचर भी ऐसा कुछ होगा कि मतलब हाँ मुझे कमाना ही है इसलिए मुझे ऐसा करना है वैसा करना। बस जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है उसे मैं बहुत प्यार से ट्रैकल करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि फैशन, मुझे सजना सवरना बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही, मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस समय हम वीडियो कर फैमिली में जो होता है, और मुझे मेरे पापा एकदम पसंद नहीं करता, ओनली अगर कोई शादी में या पार्टी में जाता था नेचुरल जो लिपस्टिक होता है लैक्मे का, मम्मी सिर्फ वही यूज़ करने देते थे और नेविया और कुछ नहीं। पाउडर पापा को पसंद नहीं है, पापा को काजल पसंद नहीं है, मास्कारा आईलाइनर तो बहुत दूर की बात है। तो खैर जो भी हो, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, धीरे धीरे देखते हैं, घर में रहते थे फिर जब टाइम मिलता है तो उसके बाद पहले तो फेसबुक वगैरह देखते थे, कुछ लाइक पेज आता था कि हाँ फूडिंग होता है या मेकअप होता है, इस टाइप से देखते थे। तो देखते कि यूट्यूब देखे कि अरे बहुत सारे यूट्यूबर है कि घर का वाइफ भी इस तरह से कुछ काम करते हैं। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है हमको कि अरे ये लोग कितना जल्दी करके फर्स्टली काम करता है, तो मैं भी इसी टाइप का कुछ ट्राई करूंगी इस टाइप से। तो उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी, उसको देख देख के इस तरह से काम करते थे। उसके बाद सोचे कि नहीं चलो वीडियो बनाते हम भी करेंगे कुछ, तो ठीक है। तो ऐसे ही बनाते बनाते मैं यूट्यूब में छोड़ने लगी। यूट्यूब में छोड़ते तो धीरे धीरे देखा कि हाँ बहुत कोई देखने लगा, लाइक करने लगा। और फिर मुझे एक ऑप्शन आया कि पेमेंट ऑप्शन आया, मुझे समझ में नहीं आया क्या है ये। तो अकाउंट नंबर मांगा, तो मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दी। तो मैंने पापी से पूछा, पापी अकाउंट नंबर दे दी, अगर है को खो गया आजकल जो को बहुत कुछ सुनते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो बनाते चलो एक बार देखते हैं। तो क्या किए, तो चलो एक बार दे ही दिए साहस करके, भगवान का नाम लेके, डर भी लग रहा था। हाँ तो सही में 15 दिन के बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, तो मुझे बहुत खुशी लगा। जो भी वो बहुत अच्छा लगा, बहुत कम पेमेंट ही आया, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बस यही है। हाँ, जो हर समय जो मिलता है हर यूट्यूबर को, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का जैसा छोटा मोटा यूट्यूबर को हर समय सब कुछ नहीं मिलता है। अभी फ्लिपकार्ट से मैंने जैसे शॉपिंग की करते करते अभी मुझे कुछ गिफ्ट भी मिलने लगा, छोटा गिफ्ट भी मुझे मिलने लगा, तो बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स इट। तो देखते हैं कितना दूर मेरा क्या हुआ है चिकन। चिकन देखने से पहले और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इंस्टा में ना एक सेशन शुरू की हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे स्मोकी आईज बनाना बहुत पसंद है, लोगों को देखते थे आई का मेकअप, और फिर जैसे कि ड्रेसअप होता है, फिर पर्सनल डेवलपमेंट, कुकिंग, सब कुछ है उसमें। तो मैं यही महीना से स्टार्ट की है, वो ओहना दत्तों के साथ ही स्टार्ट किया है, मेकअप आर्टिस्ट भी है वो है। तो हर संडे को मेरा क्लास रहता है 2 आवर्स का, तो मैंने वो क्लास स्टार्ट के। अरे देखो एक बात है, अभी कोई बोल मत देना कि हाँ मैं कुछ सीख रही हूँ तो मुझे प्रोफेशनल उसे अप्लाई करना है पैसा कमाने के लिए, नहीं ऐसा बात नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट है, मैं सीख रही हूँ, दैट्स इट। सो गाइस, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने ऐड किए थे उस समय, तो मैं बोलने भूल गई थी, तो आपको दिखाते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड की थी। सो मेरा हैदराबादी स्टाइल चिकन रेडी, एंड थोड़ा सा देंगे धनिया पत्ता,
बस सो ये रेडी हो गया है एंड गरम गरम खाने में गाइस बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग घर में इसी तरह ट्राई करना जरूर। Trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? So guys, ये है हम लोग का यम्मी लंच आज। ये है कर्ड दही और ये है हैदराबादी स्टाइल का चिकन एंड चपाती। ये है आपका जो खीरा होता है वो खीरा और चना को देके बहुत अच्छा यम्मी। ये है वेज वेजिटेबल्स खीरा का सब्जी एंड ये है राइस एंड सैलड। दैट्स इट, बहुत यम्मी लंच मेरा रेडी। छत पे आए हैं क्योंकि दो दिन तक बहुत बारिश हो रहा था, नहीं आ पाए। अब बहुत अच्छा लग रहा है छत में आके, इतना अच्छा सुंदर हवा भी आ रहा है, हवा लग रहा है। तो यही बात है। तो लंच हो गया, होने के बाद थोड़ा सा टीवी वी देख रहे थे और उसके बाद थोड़ा मन हुआ कि छत में जाए क्योंकि शाम के टाइम है, थोड़ा अच्छा लगता है छत में बिताना। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, मन में ना बहुत सुकून होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्लॉग दो तीन दिन के बाद बात ही दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है जो संभव नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हो हम लोग का हाउस वाइफ का कितना काम रहता है। बहुत सिंपल सा ही काम रहता है हम लोग का हाउस वाइफ का, है ना। मॉपिंग, क्लीनिंग, फिर क्लॉथिंग उठाओ, छत से ले जाओ, फिर बारिश हो रहा है तो फिर से दो, फिर से ले जाओ, बारिश का टाइम है, तीनों टाइम खाना बनाना। तो बहुत इजी ही काम है तो आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए दो तीन दिन के बाद ही ब्लॉग आता है। तो बस यही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा सोचिएगा, अंडरस्टैंडिंग होइएगा थोड़ा सा, कि थोड़ा सा देखिएगा कि ये बहुत मेहनत करके करना पड़ता है ब्लॉग, इनके लिए बहुत परिश्रम चाहिए। क्योंकि ना परिश्रम इसलिए चाहिए, पहले ब्लॉग बनाओ, उसके बाद उसको एडिटिंग करो, उसको दो, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। वो वीडियो सेव होता है उसके बाद जाके पोस्ट होता है। कभी नेटवर्क आता है, कभी नहीं होता है, कभी लेट से होता है। तो गाइस हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग प्लीज़ इसको वॉच करना, वीडियो को देखना। बस मेरे लिए इतना ही, आप लोग जो देखते हो यही मेरे लिए मेरा पावना बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा आपदार क्या बोलेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने मैं रख ही सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को थोड़ा वॉच करना। सुंदर सरनाली सुंदर इति बंध में जराले बंधु, सुंदर सरनाली सुंदर ये प्रकृति की हवा खाते खाते थोड़ा सा गाना भी माइंड से आ गया। मतलब ये एक बंगाली सॉन्ग है एंड बहुत पॉपुलर सॉन्ग है ये। तो मतलब पुराना जितना बंगाली है उन लोगों को सबको पता है, अभी कभी पता होगा। सो मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी, बस अच्छा लग रहा था। चलिए नीचे। सो बहुत देर तक छत में थे, अभी जाएंगे नीचे, डिनर बनाएंगे, सिंपल सा डिनर। क्योंकि लंच में आज चिकन खाए तो इसीलिए ऐसे ही वेजिटेबल्स देके जैसे नूडल्स बनाता है, सिंपल सा एक नूडल्स बनाएंगे, वही होगा हम लोग का डिनर। और बस एक फ्राई करके दे देंगे तो एक चाउमीन बन जाएगा। तो चलिए नीचे ही चलते हैं अब। Hey guys, तो मैं आ गई हूँ किचन में। रात का डिनर आज हम लोग का होगा चाउमीन, वेज चाउमीन, बहुत सिंपल से कर रहे हैं। तो मैंने अपलोड नहीं किए, दिखाए नहीं। तो मैं थोड़ा सा आलू, कैबेज, कैप्सिकम, गाजर, सब कुछ मैगी मसाला देके, मैगी मसाला नूडल्स
आटा वाला नूडल्स जो मसाला है उससे भुज के रख दिए हैं, थोड़ा सा ऑनियन फ्राई करके रख दिए हैं, और यहाँ पे हो रहा है एग। तो एग को फ्राई करने के लिए अभी ये भी लगभग हो गया है, तो एक चाउमीन ही करेंगे। ऐसे पानी में थोड़ा सा हल्का उबाल के उसके बाद इसको रख दिए यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा हम व्हाइट ऑयल दे के रखे कि एक के साथ एक चिपक ना जाए इस टाइप से। और गाइस आप लोग प्लीज जब भी नूडल्स खाइएगा तो ये आटा वाला नूडल्स खाइएगा, ये बहुत अच्छा है, ये हेल्दी भी होता है। तो यही बात है, तो यही होगा आज हम लोग का डिनर, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल सा डिनर। ऑनियन वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। मैंने सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी नहीं दिए हैं, सिर्फ ये मैगी मसाला दे रहे हैं, आटा नूडल्स का मसाला दे रहे हैं, मैगी मसाला नहीं, आटा नूडल्स का मसाला जो बचा हुआ था वही दे रहे हैं। तो जब सॉस लगेगा, चिली सॉस, टमाटर सॉस जो भी लगेगा, तो आज मैं बहुत सिंपल से ही ये चाउमीन बना ली हूँ। एंड लास्ट में एग को यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सॉस ऐड नहीं किए क्योंकि बापी को ना सॉस पसंद नहीं है बहुत, इसी तरह उसे बहुत सिंपल टाइप से ही चाउमीन नूडल्स पसंद है, इसीलिए वो घर में मेरे हाथ से ही खाना चाहते हैं। बाहर में जल्दी से बाहर का खाना वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। तो स्नेहा और मैं बाद में चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस ले लूँगी। तो मैं, आप चाहें तो सोया सॉस भी ऐड कर सकते हो, मैंने नहीं किया, मुझे ऐसे ही सिंपली अच्छा लग रहा है। एंड ये गाइस ये रियली बहुत यम्मी एंड टेस्टी हुआ है। और डिनर के टाइम है, रात का टाइम है, तो रात का टाइम आप जितना हल्का खाओगे उतना ही अच्छा है। एंड जब भी भोजन करते हैं ना, तो उस समय हम लोग क्या रात को प्रे करके भोजन करते हैं, क्योंकि क्या बोलेंगे, अभी जो टाइम चल रहा है बहुत कुछ सुनते हैं बहुत ख़राब लगता है कि बहुत कोई बिना खा के डेथ हो जा रहा है, कोरोना से भी ज़्यादा डेथ बिना खा के आदमी हो जा रहा है, उनके परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब सुन के ना सही में आँख में आंसू आ जाता है, ख़राब लगता है, ये सब बहुत ख़राब लगता है। अगर वो लोग भी इंसान हैं, इस टाइप से दुनिया इस टाइप से हो गया है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है, बहुत ख़राब लग रहा है। तो सब अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे, यही हम हमेशा चाहते हैं। हाँ, तो शाम के टाइम में थोड़ा सा कॉफ़ी पिए थे एंड उसके साथ बिस्किट लिए थे और कुछ नहीं। तो आज ना रोटी वगैरह बनाने का मन नहीं होता है, तो कभी कभी होता है ना इस टाइप का थोड़ा डिफरेंट इस टाइप का करके खाएं। तो बापी को बहुत इच्छा था कि पियो तुम्हारे हाथ से चाउमीन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ही अच्छा लगता है, प्लेन से करो। तो हम बोले कि ठीक है, तुम्हें अगर पसंद है तो चिकन लेके आओ, तो चिकन नूडल्स भी बना देते, बहुत अच्छा लगेगा। बोले नहीं 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 बहुत सिंपल से ही करो। तो हम ठीक है चलो सिंपल से ही करेंगे। तो रात में देखेंगे थोड़ा बैठ के मूवी, और रात का टाइम है तो हल्का डिनर करना ही बहुत अच्छा होता है। तो यही बात है, सुबह बहुत टाइम से ये वीडियो बना रही हूँ, तो कैसा लगा बोलिएगा। और तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, बस इतना सही कामना है इस वर्ष से कि आप लोग सब अच्छे से रहिए। एंड आप लोग भी मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए, और मेरे परिवार को भी बहुत प्यार दीजिए, बहुत ब्लेसिंग दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सो गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।